हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी देखी थी, यानी कि हमने उसके टॉपिक को क्लियर किया था, और आज हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल चित्रकला। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी थ्योरी वाली क्लासेस ना देखी हो तो प्लीज़ वो वाली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैंने बताया था जहाँ पा आए वहाँ याद रखिएगा बा आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ब्रडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार डैश में हुआ। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस में हुआ था, हमारा नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। तो तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार मैंने बताया था, जो चमकीले हथियार थे यानी कि पॉलिशदार औजार, वो हमें कहाँ हुए थे, नवपाषाण काल में मिले थे, ठीक है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में मध्य पाषाण काल डैश तक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सी वाला, 6000 BC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे, चित्रीय शैलाश्रय लखु उड़ियार कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर है ए, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। तो भारतीय प्रेरणा का मूल स्रोत क्या है, धर्म, ठीक है। तो इसका धर्म आंसर है ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है, चट्टान चित्रकारी से, यानी कि चट्टान चित्रकारी, बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के क्षेत्र में किस रंग का उपयोग किया गया है। तो उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल क्षेत्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है, लाल रंग का, सॉरी नीले रंग का, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था। मैंने बताया तो आपको कि मतलब कि आपने अगर मेरी वो थ्योरी वाली क्लास ना देखी हो तो जरूर देखिएगा। मैंने उसमें बताया था हमारी बस्तियाँ नवपाषाण काल में हमारे जो मानव थे वो कहाँ बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिए, यानी कि घर बनाने का कहाँ से, नवपाषाण काल, सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था। तो प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय था शिकार दृश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था। तो बहुत कम रेखाओं में उन्होंने क्या व्यक्त किया था, अनुभूतियों की प्रभावशाला अभिव्यक्ति, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है। तो कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक, देखिए होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आता है, यानी कि हमारी प्रागैतिहासिक काल का है, आदमगढ़ भी हमारी प्रागैतिहासिक काल का है, मिर्ज़ापुर भी हमारी प्रागैतिहासिक काल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट सब, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे। तो कहाँ पर चित्रित किए गए थे, गुफाओं पर, भित्ति पर, कागज़ पर, उस समय कागज होते नहीं थे तो कागज़ पर हो नहीं सकता, कपड़े पर, कपड़े पर नहीं बन सकते, गेंदबाज पर भी नहीं, कहाँ बनी थी, गुफा भित्ति पर। तो कहाँ बनी थी इसकी चित्र, गुफा भित्ति पर, राइट आंसर इसका जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। फोर्थ आर हमारा क्या दिया है, प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार का ही आश्रित था। इसका ऑप्शन सी सही है, ए सही है और आर भी सही है, दोनों सही ऑप्शन दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से
ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सार्वधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। अगला है, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। तो इसका राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों ही सही कथन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो इसका किसका महत्व है? कला साहित्य का। नेक्स्ट है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी है? मैंने आपको बताया था स्टुअर्ट पिगार्ड की, ठीक है, मैंने बताया था ना पिगार्ड, जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे क्या होगा? पिगार्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो इसका बी आंसर राइट है, गुफाओं से उकेरे गए चित्र। नेक्स्ट है, यह आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी, ये ऑप्शन क्या है हमारा, सही है गलत है? उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीले चट्टाने थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो इसका आंसर ए ऑप्शन राइट है, ए सही है, नहीं है और आर सही कथन है। नेक्स्ट है, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक पत्थर अर्थ था। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें, भारतीय कला की पहचान करें, वर्णात्मक, ओके, भारतीय कला कैसी है? वर्णात्मक है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं पशु, मानव, पक्षी, तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? अधिकांश चित्रों के जो रंग है वो है गेरू रंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता क्या थी? पशुओं का शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार, यानी कि चाक का आविष्कार कब हुआ था? नपाशा काल में हुआ था, तो उस समय ही मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन डी है, पाषाण युग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्राचीन कला मुख्य रूप से प्रेरित है? तो भारतीय प्राचीन कला मुख्य रूप से प्रेरित है कहाँ पे? धर्म से, ठीक है, धर्म से प्रेरित है। मैं आपको बता चुकी पहले ही क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं किसी पशुओं के, सॉरी आखेट के चित्र के मिलते हैं, सबसे ज़्यादा किसके शिकार करते हुए मिलते हैं ना, तो पशु के आखेट के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला हमारा क्या है, एक ही देखो, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, हम जानते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पा रहा है, यानी किसने? ब्रडीक ने लिखा है। सा का ऑप्शन क्या है? राइट, टू। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन रॉक पेंटिंग, इंडियन रॉक पेंटिंग, डांस ऑफ शिवा, ड्रेस इन इंडिया पेंटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? ये सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। यानी कि जो हमारा है, ए के कुमार स्वामी ने कौन सी लिखी है हमारी? डांस ऑफ शिवा। सेकंड हमारा मनोहर काल वाला, ये किसने लिखा है? ट्रेड इंडिया पेंटिंग का लिखा है। ए एच ब्रैडिक ने कौन सी? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखी है। एंड डी एच गार्डन ने हमारी इंडियन रॉक पेंटिंग लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? यहाँ पे हमारा कौन से होंगे? पिगार्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य से, ठीक है। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? गेरू रंग प्रयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा चित्र जो हमें मिलते हैं वो गेरू रंग से मिलते हैं, ठीक है। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या के बनाए गए हैं? तो कौन से चित्र बड़ी संख्या के बनाए गए? पशुओं के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा,
कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? अलता, अलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंत्र कला के मूल में क्या है? तंत्र कला के मूल में क्या है? अंधविश्वास, सॉरी आध्यात्मक, ठीक है। ये ए ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क आ रहा है हमारा, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में शुद्ध और आगत टिका होता। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन रहे? तो इसका आंसर है कनिंगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी वीडियो वरना लॉन्ग हो जाएगी। क्या है? प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? तो कैसे रेखा चित्र हैं? आदर्श, सॉरी प्रतीकात्मक चित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते हैं? जानवरों की चर्बी। ये मैंने आपको अपनी थ्योरी वाई क्लास में सबको समझाया है, अगर आपने वो मेरी थ्योरी वाई क्लास ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो कहाँ से मिले? सबसे राम पलवाराम से मिले, पलवाराम हमारा कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। और मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है हमारा? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो सबसे अधिक चित्र हमें किस प्रकार के मिलते हैं? आकेट के चित्र मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल, तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो किस सतह पर बनाई गई? चट्टानों पर बनाई, क्योंकि उस समय पर कोई भी शिलालेख नहीं थे, तो चट्टानों पर ही जो चित्र थे हमारे वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, नवपाषाण युग के में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो किसको? आखेट को अपनाकर, ठीक है, सॉरी आखेट नहीं, इसका राइट ऑप्शन बी है, कृषि को अपना, कृषि को ही तो उन्होंने अपनाया था नवपाषाण काल में। अगला है हमारा, भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का है? भारतीय चित्रकला का इतिहास मैंने बताया था आपको 5000 वर्ष का है, और अगर खाली कला का इतिहास पूछा जाए तो कितना? 7000 वर्ष का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो हमें कहाँ? गुफाओं में मिलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं में मिलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका रंग, किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है, क्योंकि हमें कहाँ मिलते थे? गुफाओं में चित्र मिलते थे, इसलिए क्या है? गुहा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा, तो ये राइट ऑप्शन है, शिकार रहा है, ठीक है। अगला है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षा के बनाए गए थे, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये ऑप्शन राइट कर रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला थी उनमें कोई भी चमकीले रंगों का यूज़ नहीं किया गया था, केवल मिट्टी के रंगों का यूज़ किया गया था और खनिज रंगों का यूज़ किया गया था, जिसमें हमारा कौन कौन से आए थे? खड़िया, रामराज, और किसका? कोयले का इस्तेमाल किया था काले रंग के लिए, कोयला, और गेरू रंग का यूज़ किया गया था, ठीक है। गेरू रंग का यूज़ हम क्यों करते हैं? लाल के लिए, ठीक है। तो केवल इन रंगों का यूज़ किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिलते हैं कहाँ पर? मिलते हैं नवपाषाण काल में, अधिकांश चित्र हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, प्रमुख उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? इनमें सभी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंगों का प्रयोग करते या फिर मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे? ठीक है, अगर खनिज रंग और मिट्टी के रंग दोनों आ जाए तो उसमें आपको मिट्टी के रंग लगाना है। अगर बाई चांस आपको मिट्टी के रंग का ऑप्शन ना दिया गया हो तो आप उसको उसमें खनिज रंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक कला। नेक्स्ट हमारा, अंगिनेनियस एवं मेंडेलेनियस शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है पूर्व ऐतिहासिक कला में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था? तो क्या था? उपरोक्त सभी पशु पक्षी आकेट और युद्ध तीनों ही रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? धरातल क्या है इनकी? शिलाएं, यानी कि गुफाओं पर हुए थे ना, तो शिलाएं इसका। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? जगदीश गुप्त थे। मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता दिया, मैं पहले ही कह दिया, अगर आपने थ्योरी वाइज क्लास ना देखी हो तो जरूर देखो। नेक्स्ट हमारा गेरू है। गेरू क्या है? हमारा एक भूमिज रंग है। ठीक है, मिट्टी के रंग से होता है गेरू, तो क्या है? भूमिज रंग है। नेक्स्ट हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य पशु आकृति था। नेक्स्ट हमारा, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है आर्ची लाइट कॉरलाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे किसमें निर्मित किए? गेरू व चारकोल से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन अपना, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ की भाले के साथ शिकार करते मानव, मेंढक और सांप, जेबरा और बकरी। तो यानी कि मेंढक और सांप हमें पुरापाषाण काल में नहीं मिले हैं, जेबरा और बकरी भी नहीं मिली है, भाले के साथ शिकार करते मानव नहीं मिले, भीमबेटका मैंने आपको बताए थे, इसमें हमें भीमबेटका में हमें दो स्तर पर चित्र मिले हैं, जिसमें हमें पहले में सुअर, रीछ, जानवर, सब जंगली भैंसा, इन सब के हमें चित्र मिले हैं। ठीक है, और वहीं दूसरे स्तर में हमें क्या, मानव को एक फ्रेंड यानी कि मित्र के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, मानव और जानवरों के बीच था उन मित्र के रूप में हमें दिखाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए राइट ऑप्शन है भीमबेटका में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपने थ्योरी ना पढ़ी हो तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद ही एमसीक्यू इनके ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रामगढ़ स्थित है। रामगढ़ कहाँ पे? रायगढ़ हमारा कहाँ पे स्थित होता है? मध्य प्रदेश में स्थित होता है, यानी कि मध्य प्रदेश हमारा यहाँ नहीं दिया है, तो क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। नेक्स्ट, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्राप्त हुए? हमें नपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, भीमबेटका, अब हम आइए मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश की गुफा के बारे में। तो सबसे पहले हमारा, भीमबेटका गुफाएँ किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? तो हमारा काम मैंने आपको बताया था ओबेदुल्लागंज, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है हमारा, भीमबेटका के पाषाण शिलाशय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे? बी एस बाकाकर द्वारा खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भीमबेटका में किस तरीके के चित्र प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका में किस तरीके के चित्र प्राप्त होते हैं? शैल चित्रकार हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी गुफाओं से जुड़ी है, पंचमढ़ी गुफा किससे जुड़ी हुई है? राम से, शिव से, पांडव से या बौद्ध से? तो बौद्ध धर्म से तो जुड़ी नहीं है, ना ही राम से जुड़ी है, ना शिव से, तो किससे? पांडव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी के चित्रों की खोज DH गार्डन ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए? भारत के प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? भीमबेटका में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी है? भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं मैंने आपको बताया था, भीमबेटका क्या है हमारी? पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? BS बाकाकर ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट रुकिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंघनपुर स्थान हमारा का प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया था घायल भैंसा का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिंघनपुर से। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसकी है? होशंगाबाद, मैंने बोलता होश में रहना है तो क्या रहना, मनोरंजन करते रहना है, तो इसका किसने किया था? मनोरंजन घोष ने करी थी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। आपको टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोज कर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया? यानी कि पंचमढ़ी क्षेत्र की खोज किसने करी थी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया किसकी है? अमला नंद घोष की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? भीमबेटका की खोज किसने करे थे? B.S. वाकरकर ने करे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। रायमंच होश में सिपसिंग मंथ पहाड़, वो भीम भोपाल। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो उस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसका है? पंचमढ़ी के किसने? D.H. गार्डन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? पंचमढ़ी की गुफाएं हमें कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट है, 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिलारेखाकरण खोजने का श्रेय किसको जाता है? C.W. एडिसन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पंचमढ़ी झुकाया है भोपाल की पहाड़ी मध्य प्रदेश की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा, मैंने बताया कहाँ से? सिंघनपुर से मिलता है घायल भैंसा का चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? कौन सी? भीमबेटका, जो 2003 में करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र कौन सा है? भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसके जाता है? पंचमढ़ी क्षेत्र को किसने है? D.H. गार्डन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्या है, भीमबेटका पर किए गए, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड कहाँ गया ये, एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, शिट। हाँ, तो एक कहते हैं ये भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की? तो इसका राइट आंसर क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडव गुफा कहाँ स्थित है? पांडव गुफा कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था पांडव गुफा माई क्या पंचमढ़ी की गुफा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के कौन से राज्य से सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? तो सबसे ज्यादा गुफाएं में जो चित्र मिले हैं वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है भीमबेटका गुफाओं की खोज? भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रोफेसर वाकरकर द्वारा की गई है। मैं खुद कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना,
मास्टर भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए माना जाता है? तो होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी स्थित है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ये क्वेश्चन कट है, ठीक है इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो भीमबेटका की खोज सर्वप्रथम किसने की? श्री वी एस बाकाकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका लखन या दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद हमारा किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है, रायमंच होश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो हमें पता है 600 में गुफाएं प्राप्त हुई हैं, और चित्र हमें कितने प्राप्त हुई हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें कितने भीमबेटका में कितनी ही गुफाओं में हमें चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टोटल 600 गुफाएं हैं, पर कितने में चित्र हमें प्राप्त हुए वो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो कौन सा सबसे ज़्यादा रंग प्रयोग किया गया है? लाल रंग, मैंने आपको बताया था गेरू रंग का यूज़ किया है। नेक्स्ट, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, कैसे हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी आर हंटर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया था? होशंगाबाद, सॉरी कहाँ पाया गया था हमारा? आदमगढ़ में पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये देखिए इसका मैं आपको राइट आंसर बता दे रही हूँ। इसका राइट आंसर है हमारा सी वाला, मतलब कि ये पहला वाला है वो सही है और दूसरा वाला हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भीमबेटका की शिला उत्कृष्ट चित्रकारी किस अवधि के हैं? तो ये किस अवधि के? भीमबेटका की, भीमबेटका की खोज कब हुई थी हमारी? ये मेसोलिथिक में हुई थी, यानी कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी हमारी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। और मध्य पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? मेसोलिथिक। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं हमें? भीमबेटका में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं कहाँ पे बने हैं? गुफाओं में, शैलाश्रम में, घरों की दीवारों पर या लकड़ी पर? तो कहाँ? शैलाश्रम में बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे मतलब हमें फिर से वही बताना है। तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त हुई, ये बात सही है कि हमें जो प्रागैतिहासिक चित्र सबसे ज़्यादा मिले कहाँ? मध्य प्रदेश में मिले, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अगला हमारा, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस चित्र में रहना अधिक पसंद करते थे? तो इसका आंसर हमारा क्या है? ये हमारा सी ऑप्शन राइट है, यानी कि पहला वाला जो वो सही दिया है और बी वाला क्या हमारा गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, डीएच गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद हमारा कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीमबेटका में प्राप्त होने वाली शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? दीवारों व छते पर बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण युग में मानव कहाँ? बस्तियों में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषक किस पुरातात्विकता ने किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा वो है बी ए वाकरकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, तो भीमबेटका गुफा के चित्र कैसे? सांप्रदायिक सभा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना,
पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ हमारी कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कालीन कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा, बोटालडा, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका है ए, उदयगिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है कहाँ पे? विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद जिले में, भोपाल में, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, सबसे पुरानी ज्ञात कौन सी? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिहासिक कला केंद्र से गेंडे के आखेट के चित्र हमें कहाँ से मिलता है? हरनी हरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़मंगर स्थित है, घोड़मंगर कहाँ पे स्थित है हमारा? घोड़मंगर मिर्ज़ापुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है, कैमूर पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़मंगर की गुफाएं विंध्याचल पर्वत माला में किसके पास स्थित है? तो किसके पास स्थित है हमारी? मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, मिर्ज़ापुर किन चित्रकला का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्र का कला केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर है हमारा? मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है? घोड़मंगर की गुफाएं मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी? बांदा मिर्ज़ापुर के कॉफमन व कॉलीराइब ने की थी, हम जानते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र में कहाँ हुए थे? सरगुजा हमारा इसका डी ऑप्शन राइट है, सरगुजा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो कहाँ पर बने हुए हैं? कैमूर पहाड़ी पर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, मिर्ज़ापुर के में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य लिखुनिया में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? तो सर्वप्रथम खोज मिर्ज़ापुर में हुई है। मिर्ज़ापुर के पूर्व प्रागैतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो मिर्ज़ापुर के पूर्व प्रागैतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की, हिरण और जैबरा की, मुर्गी और कौवे की, बुद्ध की, घोड़े और हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये हमारी कुछ अन्य गुफाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, दो मिनट की अब और है हमारी, थोड़ा सा ये बस। बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की थी? तो बेल्लारी की गुफाओं की खोज किसने की थी? इसका आंसर ए राइट आंसर है, एफ फांसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो बेल्लारी इसका राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, तो प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ देखे जा सकते हैं? लिखुनिया, भीमबेटका तथा पंचमढ़ी में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर है ए, बेल्लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? मिर्ज़ापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका बाग। राइट आंसर हमारा इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, सही मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारे आदमगढ़ की शिलाशिला चित्र, मिर्ज़ापुर गुफाएं, मिर्ज़ापुर की गुफाएं जो हमारी कहाँ हैं? कैमूर शंकरा में है। बेल्लारी गुफाएं हमारी कहाँ पड़ती हैं? दक्षिण भारत में पड़ती हैं। सिंगनपुर गुफाएं हमारी कहाँ पड़ती है? सिंगनपुर जो हमारी होशंगाबाद में पड़ती है। और आदमगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है? रायगढ़ रियासत में पड़ता है। यानी
एक मिनट रुकिए, तो इसका यानी कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बस ये हमारी यहीं पे ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमने सारे ही क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला के सारे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देख लिए। अगर मैं और भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो अब मैं आपको उनकी भी पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन ना किया हो तो आप लोग मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरी थ्योरी वाइज क्लासेस भी जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब की थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।